आहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। कजली बन में बरतरी जोगी से चर्चा। मैसूर राज्य में बीजापुर के इलाके में एक घने जंगल का नाम कजलीबन है। इस वन में योगियों का एक आश्रम था। इस आश्रम में जब गुरु जी गए तो योगियों के मुख बरतरी के साथ आप जी की चर्चा हुई। धन गुरु नानक। जब बरतरी ने कहा आप योग धारण कर लो, तो आप जी ने कहा आपके हट और योग से शरीर को कष्ट होता है, जिसलिए मन इससे भागता है, टिकता नहीं, और मन के न टिकने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। धन गुरु नानक। मगर हम अपनी लीव करतार से लगाए रखते हैं, जिसलिए शरीर को कष्ट नहीं होता और मन सदा आनंदमय और टिका रहता है। यह हमारा सहज योग है, जिसको हम सद ही धारण किए रखते हैं। धन गुरु नानक। फिर बृतरी ने कहा हम सोमरस मत का प्याला पीकर अखंड घर समाधि लगाते हैं और हमें अलख निरंजन के दर्शन होते हैं। गुरुजी ने कहा हम नाम रस का प्याला पीकर सदा ही मतवाले रहते हैं और हमारी रात दिन लीव लगी रहती है। धन गुरु नानक। इस प्रार्थना आप जी ने, इस प्रथा आप जी ने इस शब्द के द्वारा अपने मत के प्याले और उसको पीकर मतवाले रहने का उल्लेख किया है। आशा महला पहला। गुड़ करी ज्ञान ध्यान करी धावे, करी करनी कसु पाइये। बाटी भवन प्रेम का पोचा, इत रसी अम्यू चुआइये। बाबा मन मतवारो नाम, रस पीवे सहज रंग रची रहिया। अहिनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गाइया रहाओ। पूरा सच्चा प्याला सहजे, तिसी पियाए जाको नदरी करे। अमृत का व्यापारी होवे, किया मद छूचे भाव धरे। गुरु की साखी अमृत बानी, पिवत ही परवानु। भाइया दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुकत बेकुंठ करे किया। शिफती रता सद बेरागी जुए, जन्म न हारे। कहो नानक सुन बरतरी जोगी, खीवा अमृत धारे। हे बरतरी, गुरुजी ने कहा परमात्मा के यशगान में लगा हुआ सदा ही योग है, वह अपना जन्म निष्फल नहीं गवाता। ऐसे मस्त हुए पुरुष अपने आत्म स्वरूप दर्शन रूपी अमृत को धारण करते हैं। धन गुरु नानक। भर्तरी ने सच्चे मत प्याले का, सहज समाधि और नित्य दर्शन का निर्णय सुनकर गुरु जी को नमस्कार की। फिर भर्तरी के साथी दूसरे योगियों ने कहा कि गृहस्थी को त्याग कर योग साधना के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। गुरुजी ने कथन किया हे योगी, जो पुरुष अपनी ईमानदारी की कृति करके अपनी निर्वाह करता है और उससे जरूरतमंदों को भी यशा शक्ति देता है, प्रेम भक्ति के द्वारा मन को परमात्मा के सिमरन में लगाए रखता है, उसको गृहस्थी में ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। धन गुरु नानक। इस तरह के प्रश्न
उत्तर की चर्चा करके गुरु आगे और चल पड़े। धन गुरु नानक। बहावलपुर उच्च की पीर के साथ चर्चा। कजलीप से चलकर गुरुजी समुद्र के पश्चिमी तट के साथ साथ मालाबार, गुजरात, बंबई आदि इलाकों में सत्यनाम का प्रचार करते हुए सिंध में उचा के पीरों के पास बहावनपुर आए। पीर बहावलुद्दीन ऋषियों, सिद्धियों और करामातों में यकीन रखता था। गुरुजी ने कहा, पीर जी, इन करामातों से लोगों को भ्रम कर माया इकट्ठी करना और अपनी पूजा मान्यता करवानी उपयुक्त नहीं है। यह माया मुर्दा है, मुर्दा खाना नीचों का काम है। आप प्रभु की भक्ति करने वाले हंस हो, परमात्मा के नाम की मोती को खाकर तृप्त रहना चाहिए। धन गुरु नानक। ऐसे सत्य वचन सुनकर वे गुरुजी के श्रद्धालु हो गए। यहाँ से चलकर गुरुजी बीवी नानकी जी को सुल्तानपुर मिलकर करतारपुर परिवार पास पहुँच गए। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।